स्टार्ट हो देखो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी देयर आर 17 और 18 मार्क्स क्वेश्चन है टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज देन व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और ऑन ए सर्टेन फ्यूचर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिमांड सामने वाला अगर डिमांड करेगा तब उसको पेमेंट देना रहेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन डिमांड और ऑन ए सर्टेन फ्यूचर डेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू टेक दिस एग्जांपल सपोज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट सपोज फॉर 3 months तो मिस्टर ए इज कॉल्ड सेलर मिस्टर बी इज कॉल्ड बायर सेलर मतलब सप्लायर सप्लायर इज ऑल्सो कस्टमर बायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमर सप्लायर मतलब क्रेडिटर एंड कस्टमर मीन्स ए सप्लायर ड्रॉज ए बिल देयरफॉर ही इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉवर एंड ड्रॉविंग इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉविंग और एक्सेप्टर मिस्टर बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू मिस्टर ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है तो मिस्टर ए जो है इसको ट्रांसफर कर सकता है सी को सी ट्रांसफर टू डी डी इज कॉल्ड होल्डर ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट हु विल गो टू कलेक्ट द अमाउंट बी विल गो टू कलेक्ट द अमाउंट नाउ सी देयर आर मेनी क्वेश्चन सपोज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर थ्री पार्टीज ड्रावर ड्रॉवी एंड पे हु इज ड्रावर ड्रावर इज ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल पे इज ए ड्रॉवी ड्रॉवी इज ए पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ही मस्ट बी ए डेटर ड्रावर इज ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल ही मस्ट बी ए क्रेडिटर हु इज पे पे इज ए पर्सन हु टू होम बिल इज मेड पेबल हु इज पे पे इज ए पर्सन टू होम बिल इज मेड पेबल तो यहाँ और क्वेश्चन आता है हु क्रॉस द बिल हु क्रॉस द बिल मतलब बिल कौन क्रॉस करता है ड्रॉवर अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं ड्रॉवर ड्रॉस द बिल इट इज रॉन्ग ड्रॉवर ड्रॉ करने के बाद उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं ना इट इज क्वेश्चन ऑफ वन स्टेप बिफोर तो एक क्रेडिटर ड्रॉस ए बिल ऑन Who draws the bill? A creditor draws the bill of the debtor. Next question is, what is the relation between drawer and drawee? The relationship between drawer and drawee is creditor and debtor. अब देखो समझो ऑन जी डेट मिस्टर डी वी गो टू बी टू कलेक्ट द अमाउंट तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर बी ने पैसा दे दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे बी